वहीं छतरपुर में एक दुकान में तोड़फोड़ और दुकानदार से मारपीट करने का मामला सामने आया है और ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकानदार बताता है कि उसने बदमाशों को आरोपियों को सिगरेट उधार देने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की और मारपीट की। अब बात करेंगे बीजेपी की एक बड़ी बैठक की। राजधानी भोपाल में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा और संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और इस बैठक में आपको बता दें कांग्रेस के आरोपों और बयानों का कानूनी रूप से जवाब देने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस को घेरने की रणनीति बन रही है। कांग्रेस के निजी और झूठे कमेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है बीजेपी की। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ अब लीगल एक्शन इस पर लेगा। बीजेपी में समन्वय को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने कवायद शुरू की है। बुंदेलखंड के दिग्गज नेताओं में समन्वय पर कोशिश तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने अलग अलग स्तर पर नेताओं से चर्चा की। अब बात करेंगे प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके को लेकर हमला बोला है कांग्रेस पर। उनका कहना है कि कांग्रेस को डीके बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, कहा कि एक डीके मध्य प्रदेश में है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, घर में बैठे लोगों पर भरोसा करें। कांग्रेस सुरेश पचौरी अरुण यादव को कांग्रेस ने घर बैठा दिया। कमलनाथ के भावी सीएम पर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। उनका कहना है पवन खेड़ा ने कमलनाथ के मंसूबों पर पानी फेरा है। बंटाधार शब्द और दिग्विजय एक दूसरे के पूरक। पहले से कहें यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को दो ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए। कमलनाथ जी अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय परचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं, इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अविश्वम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है कि आपको उसने खेरा ने आके पानी फेर दिया है। अच्छा आप बताओ बंटाधार बोलते ही किसकी छवि आपके दिमाग में आती है? दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय सिंह जी की आती है तो रिटर्न दिग्विजय सिंह हो गए ना प्रदेश के अंदर। और बंटाधार और दिग्विजय सिंह ये दोनों एक दूसरे के पूरा। वही नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने बलात्कार किया है। कांग्रेस के नेता राजीव सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसा और कहा कि नरोत्तम मिश्रा डरे हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखो नरोत्तम मिश्रा जी को हार का भूत सता रहा है, उन्हें लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक गई है। सूचनाएं जो उनको मिलती होंगी उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज से, उनके गोपनीय तरीके से जो उनके पास उनके सर्वे होते हैं उसमें उनको साफ पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए वो भयभीत हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री निवास में कोल जनजाति सम्मेलन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है, बीजेपी और शिवराज सिंह की सरकार सबसे पहले गरीबों के लिए है। कोल समाज के निर्धन भाइयों के छत की जरूरत पूरी करने के लिए एक सर्वे के बाद भू अधिकार अधिनियम के तहत सबको आवासीय जमीन उपलब्ध कराएगी। कोल समाज के जनप्रतिनिधि सूची बनाए, उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में सहायता दी जाएगी। जितने भाई बहन गरीब हैं, कोल समाज के हैं,
उनके पास रहने की जमीन उनकी होनी चाहिए, तो हर एक को जमीन का मालिक पट्टा देके बनाया जाए, ये बुनियादी जरूरत है। और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चलाई, जिसमें तय किया कि जिनके पास जमीन रहने की नहीं है उनको व्यवस्थित पट्टा और कब्जा देके जमीन का मालिक। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक, कांग्रेस के आरोपों और बयानों का कानूनी रूप से जवाब देने की तैयारी हो रही, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ लेगा अब लीगल एक्शन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके की एमपी में प्रचार को लेकर नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए दो ही डीके काफी, कमलनाथ दिग्विजय पर साधा जमकर निशाना। डीके शिव कुमार को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कहा उन्हें हार का भूत सता रहा है, जमीन खिसक गई। बालाघाट में बागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र पर फिर हुंकार, बोले जातिवाद को मिटाना है, स्कूलों में रामायण और गीता भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी। भोपाल में पेट्रोल डलाने पहुंचे बदमाशों ने अचानक से पेट्रोल के नोजल पर लाइटर से लगाई आग, और एक बदमाश गाड़ी में आग लगने से